हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें केस नंबर वन देखते हैं क्या है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द मिरर, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सरफेस आपकी रिफ्लेक्टिंग होगी। इसमें आउटर सरफेस आपकी रिफ्लेक्टिंग होगी, ठीक है। ये आउटर सरफेस है, इनर सरफेस यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टेड नहीं है। ये जो आउटर सरफेस है ये रिफ्लेक्टेड, मतलब ये रिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाली आपकी जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे फार अवे बहुत दूर रखा गया है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट दूर रखा गया तो उसकी इमेज कैसी बनेगी ये देखना है। एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे आई ये भी रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे आई ये रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे आई ये भी रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ये कुछ ना कुछ एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो गया। अब एक पॉइंट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है जो कि वर्चुअल है, डॉटेड लाइन से डिनोटेड है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यही इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो इमेज बनने वाली है वो कैसे बनने वाली है, पॉइंट इमेज बनने वाली है, ठीक है। अब पॉइंट इमेज जब बन गई तो आपको एक चीज बहुत ध्यान देना है कि इमेज कैसी होगी, ठीक है। तो इमेज कैसी होगी ये देखना, पॉइंट इमेज है तो वेरी स्मॉल, पहला पॉइंट तो यही है कि इमेज कैसी होगी, बहुत स्मॉल होगी, ठीक है। दूसरा, डॉटेड लाइन से डिनोटेड है तो वर्चुअल होगी, इमेज कैसी बनने वाली है, वर्चुअल, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट आपको याद रखना होगा क्योंकि इमेज बहुत छोटी है, दिखेगी नहीं, लेकिन यहाँ पे जो भी इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है, ठीक है। तो थर्ड वाला पॉइंट आपको याद रखना, बाकी चीजें दिख रही है, वेरी स्मॉल है, पॉइंट इमेज है, और डॉटेड लाइन से यहाँ पे पॉइंट मिलता हुआ नजर आ रहा है तो वर्चुअल है। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी स्मॉल, वर्चुअल एंड इरेक्ट।